दोस्तों, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बेहतरीन क्विक रेस्टोरेंट सर्विस ओपन करना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ करके और आप उसका फ्रेंचाइजी लेकर के और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं मैकडोनाल्ड की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें करोड़ों रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में में कम इन्वेस्टमेंट में आप जो है काफी अच्छी इनकम कमा सकते हैं, और वो भी ऐसे जिसमें लोगों का टेस्ट और लोगों की चॉइस सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड सीईओ स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं बात करता हूं स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में और फ्रेंचाइजीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाया जा सके। अब हम दोस्तों बात करते हैं, आज का जो वीडियो है ये होने वाला है सबवे के बारे में, सबवे फ्रेंचाइजी के बारे में कि सबवे को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबवे क्या है, कब स्टार्ट हुआ था और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों, अगर जल्दी जल्दी से इसके बारे में हम देखें तो 1965 में सबवे का स्टार्ट हुआ था और ये जो है फ्रेड डी लुका ने स्टार्ट किया था और इनको फंडिंग दिया था वो था पीटर बग के द्वारा फंडेड है। और उस वक्त इन्होंने एक छोटे से 1000 रुपये के अमाउंट से स्टार्ट किया था। अब हम देखें तो आज के समय से बहुत समय पहले, यानी कि हमारे पिताजी के एज से भी पहले, जन्म के भी पहले इस रेस्टोरेंट का स्टार्टअप हुआ था और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 41,000 से ज़्यादा क्विक रेस्टोरेंट चल रहे हैं और इसमें से 23,900 से ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ सिर्फ US में है। अब इंडिया की बात करें तो 400 से ज़्यादा रेस्टोरेंट आज के समय में इंडिया में भी चल रहे हैं। तो ये जो है बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं कि ये किस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको फ्रेश इंग्रेडिएंट के साथ फ्रेश फूड को ऑफर करती है और ये आपके सामने ही प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले से प्रिपेयर किया गया होगा, ये फ्रेश चीज़ों को, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने प्रिपेयर करते हैं और ऐसा देते हैं। और इस तरह के बिजनेसेस बहुत रेयर होते हैं जहाँ पर आपको ताज़ा ताज़ा सब कुछ मिलता होगा और इस वजह से इसमें लोगों की दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं कि इसमें जो है कितना एरिया और कितना स्पेस की ज़रूरत होगी अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे। तो आमतौर पे अगर आप किसी मॉल के अंदर स्टार्ट करते हैं या फिर किसी ऐसे जगह पे जहां पर स्पेस कम है तो कम से कम मिनिमम 300 स्क्वायर फीट अगर आपके पास स्पेस मिल जाता है तो वो इसके लिए सफिशियंट है। और इसके अलावा भी अगर आप जो है किसी ऐसे इस जगह पे स्टार्ट करते हैं जहां पे भीड़ है लेकिन ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहां पर 500 से 600 स्क्वायर फीट भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बड़े स्पेस के साथ शुरू करेंगे तो पब्लिक जो है वो ज़्यादा आ सकती है यहाँ पर। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी आप जो है अगर इसके साथ शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर ब्रांड सिक्योरिटी की बात करें तो जहां मैकडोनाल्ड 30 लाख तक का ब्रांड सिक्योरिटी लेता है, यहां पर सिर्फ 6.75 लाख की आप ब्रांड सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट को बनाने का जो कॉस्ट है, जैसे इंटीरियर डिजाइन हो गया या फिर उसके अंदर मशीनरी हो गया, तो ये सारे कुछ अगर निकाला जाए तो यहां पर लगभग 20 से 25 लाख रुपए के अराउंड का खर्च आएगा। और अब हम बात करते हैं वर्कर का, क्योंकि इसके साथ जो वर्कर जुड़े होते हैं वो लगभग 5 से 10 वर्कर होते हैं, इससे ज्यादा वर्कर नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें जो कुछ भी होता है वो फ्रंट एंड पर अपफ्रंट बनाया जाता है तो वहां वर्कर की कमी होती है, वर्कर बहुत कम लगते हैं। तो ऐसे में आप 1 लाख से 2 लाख रुपया जो है आप वर्कर की सैलरी के तौर पर महीने का रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है और कंपनी कितना चार्ज करती है, तो दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर कंपनी जो है 12% का चार्ज करती है, जिसमें से आपका 8% जो होता है वो रॉयल्टी होता है, लेकिन कई बार ये 3.5% से 8% के बीच बोला जाता है और बाकी जो 4% होता है दोस्तों वो एडवर्टाइजिंग बजट होता है। अब एडवर्टाइजिंग बजट कंपनी लेती क्यों है ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि सबवे एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों जहां पे आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर एडवर्टाइजिंग चल रही होती है और बहुत सारी एडवर्टाइजिंग चल रही होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो जो है पर्टिकुलर
किसी एक रेस्टोरेंट को फोकस करके एडवर्टाइज करते हैं, वो पूरा इंटायर ब्रांड को फोकस करके एडवर्टाइज करते हैं, जिससे कि आपके नियर बाई जो लोग उस ऐड को देख रहे हैं वो आपके पास पहुंच सकें। तो इसलिए ये ग्लोबल चार्जेज होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि रनिंग कॉस्ट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश, जैसे देखा होगा आपने कि लॉकडाउन चल रहा था, या किसी कारणवश कहीं कर्फ्यू लग गया, या किसी कारणवश कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपको कुछ दिन, दो चार दिन, दस दिन दुकानें बंद करनी पड़ गई। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ताकि वो वर्क जो बर्न हुआ है पैसे, उसको फिर से रिकवर करके और चला सके। तो अब आमूनन अगर देखा जाए टोटल, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 से 35 लाख के करीब करीब का आएगा। अगर आप थोड़ा सा बड़े स्केल पर जाएंगे तो ये हो सकता है कि 50 लाख से लेकर के और 80 लाख के बीच में जाए, मतलब इसके अराउंड ही होता है। अगर हम बात करें इससे कि आपको ROI कितना मिलने वाला है, तो देखिए दोस्तों, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने 2-2.5 साल तक इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, या 2-2.5 साल सक्सेसफुली रन कर लिया, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे इन्वेस्टमेंट रिकवर होने वाले हैं। और इसके बाद से जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, तब तक जो है इससे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आनी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का गेम है। अगर आप एक बार इसको कर लेते हैं तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों, इनिशियल स्टेज में जो है आपके ID वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा आप वोटर कार्ड जो है देना पड़ेगा, और आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आप जमा कर सकते हैं, या इवन रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसके अलावा फोन नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। तो दोस्तों, मैंने प्रॉफिट के बारे में जैसे बताया था कि इससे जो है 2 साल के अंदर जो है आप इसको रीगेन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉफिट का क्राइटेरिया कंपनी नहीं बताती है, लेकिन आप ये समझ लो कि आज के समय में जितना ज़्यादा हम बेच पाते हैं, या जितनी ज़्यादा चीज़ें हम मार्केट में सेल करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमको प्रॉफिट निकल के सामने आने वाला है। क्योंकि एक ब्रांड होता है जो इनिशियल स्टेज से डेवलप होता है, या इनिशियल स्टेज से ग्रो होता है, उसके बारे में एडवर्टाइजिंग में या फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बजट कम करना पड़ता है, प्राइसिंग घटाना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितने रुपए में कौन सी चीज़ें मिलने वाली है। तो ऐसे में आपको वहाँ पर फिक्स प्राइसेस के साथ बेचना है, तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट की गारंटी जो है एक तरह से आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ इस तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो तरीके थे जिससे कि आप अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सबवे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबवे के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ऑप्शन है टेक योर ओन फ्रेंचाइजी करके, एक ऑप्शन आता है, उस लिंक पर आप जाके क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको डिटेल्स सबमिट करने के लिए एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, अपने लोकेशन की डिटेल्स देनी है। और एक बार ही अगर ये डिटेल्स सबमिट करते हैं तो कंपनी की तरफ से अगर उस आपके लोकेशन पे रिक्वायर्ड होगा या ज़रूरत होगा, तो वो जो है कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, और बाकी का इन्फॉर्मेशन सब कुछ कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो फटाफट इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भारत।